छत्तीसगढ़ के धमतरी से खबर है, जहां कुरुद पुलिस ने नशीली दवाओं की बिक्री और अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली दवाई और शराब के साथ दो नाबालिग सहित 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुरुद में गार्डन के पास एक युवक नशीली दवाई बेच रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर नशीली टेबलेट बेच रहे युवक को पकड़े। वहीं जिनके पास से 211 नग नशीली दवाई का टैबलेट और नकदी रकम करीब 4,500 रुपए बरामद हुआ है। वहीं पुलिस ने आरोपी परमेश्वर ढीमर के खिलाफ नार्कोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इसी तरह पुलिस ने 189 पौवा देशी शराब के साथ दीपक ढीमर, लक्ष्मण ध्रुव सहित दो नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों मामलों में सभी आरोपी को जेल भेज दिया है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार थाना कुरु क्षेत्र अंतर्गत मादक पदार्थ पर दो कार्रवाई की गई है। एक स्वापक अधिनियम के तहत की गई है और दूसरा 34 अपकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। स्वापक अधिनियम के तहत जो कार्रवाई की गई है उसमें कुल 211 नग टेबलेट जब्त किया गया है और आरोपी इसमें है परमेश्वर ढीमर। और उसी प्रकार से 34 की कार्रवाई की गई जिसमें से आरोपी हैं दीपक ढीमर और लक्ष्मण ध्रुव और दो विधि संघर्षरत बालक थे जिनके कब्जे से कुल हमें 189 नग क्वार्टर जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय का शुरू से ही आदेश रहा है संपूर्ण जिले में कि किसी प्रकार का भी किसी प्रकार का मादक पदार्थ या जुआ सट्टा का कोई भी खेल क्षेत्र में जारी ना रहे, जिस पर से समस्त थाना क्षेत्र और पुरुष थाना क्षेत्र में विशेष निगाह रखकर की कार्रवाई की जाएगी।